प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों में लापरवाही और भाजपा पार्षदों की अनदेखी को लेकर बैठक के दौरान खूब हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए और आत्मदाह की चेतावनी भी दी। वहीं नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने जनहित के कार्यों में पूरा सहयोग करने का दावा किया और राजनीतिक पक्ष को लेकर जवाब देने से इनकार कर दिया। दरअसल वाराणसी में नगर निगम कार्यालय पर लगभग एक दर्जन से ज्यादा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। सभी पार्षद अपने क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों जैसे बिजली, पानी, सड़क और सीवर की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे। इसमें समाजवादी पार्टी निर्दलीय के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी शामिल थे। करीब दो घंटे तक नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से उनकी बातचीत भी हुई। हालांकि बातचीत के दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आक्रोशित बीजेपी पार्षदों ने बताया कि आज हम सभी स्थानीय मुद्दों को लेकर नगर आयुक्त से मुलाकात करने आए हैं। वाराणसी मेयर द्वारा आदेश जारी होने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए सचिव द्वारा लापरवाही की जा रही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीधे सीधे पार्टी को बदनाम करने का प्रयास है। वहीं इस दौरान पार्षदों ने नगर आयुक्त कार्यालय से नारेबाजी के साथ बाहर निकले और चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्षदों ने नगर आयुक्त पर आरोप लगाया कि आप जैसे अधिकारियों की वजह से ही मोदी जी को कम वोट मिले हैं। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी उनकी एक नहीं सुन रहे। मोहल्ले में बारिश की शुरुआत के साथ ही सीवर साफ सफाई का काम नहीं हुआ है। पीने का पानी भी नाले में गिर रहा है। हालत बद से बदतर है। इसके अलावा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के नाराजगी का मात्र एक कारण है कि नगर आयुक्त अहंकार में बैठे हैं। वह जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि से सही तरीके से बात नहीं कर रहे, सिर्फ दो चार लोगों को तवज्जो देते हैं। आज अधिकारियों का जो रवैया है, ये सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे बनारस को परेशान किया है, जनता को परेशान किया है और सारा शहर गंदा पानी पी रहा है, प्योरिक पानी पी रहा है, एक एक कार्य का पांच पांच बार टेंडर हो रहा है। हम पार्षद को चुन गए आए हुए एक साल तीन महीना हो गया, लेकिन कोई कार्य भी धरातल पर दिख नहीं रहा है। कहने को तो आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन आईएएस वाला काम इनका कहीं नहीं दिख रहा है। वहीं हंगामे के बाद नगर आयुक्त अक्षत वर्मा का कहना था कि हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। ये कहना कि हम काम नहीं कराते तो बिल्कुल गलत है। हम अपने स्तर पर हर कार्य को पूरा करा रहे हैं और पब्लिक के हितों का भी ध्यान रख रहे हैं। रही राजनीति की बात, तो उस पर मैं अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ।